दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप कैसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने अपलोड कर सकते हैं मोबाइल से अनलिमिटेड। आप अपने मेरे चैनल के लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कैसे अनलिमिटेड फ़ोटोज़ आप डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। बट मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आज आप अपनी सारी फाइल्स, वट एवर यू हैव फ्रॉम एनी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर की आपकी कोई भी फाइल हो, आप ऑनलाइन कैसे रखें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छा सिक्योर डाटा होता है उनकी, डाटा से ही लाइफ चलती है। आप फाइनेंशियल डाटा हो गया, समथिंग कुछ भी डाटा हो गया जो वर्क से रिलेटेड है, हो सकता है आपकी ड्राइव, हार्ड ड्राइव खो जाए, पेन ड्राइव खो जाए, सिस्टम ब्रेक हो जाए, तो इससे बढ़िया है कि आप जो है अपना डाटा ऑनलाइन शेयर करें, वो भी फ्री सेव करें। तो ये कैसे कर सकते हैं आप, मैं आज आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सचिन गिल और आप देख रहे हैं साइबर सेंस एट्स एंड टेक्नोलॉजी। आइए शुरू। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के आगे बेल बटन का आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो इंस्टेंटली आपके मोबाइल पे वो दिखाई देगी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ गूगल ड्राइव की। आप गूगल ड्राइव, जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे गूगल ड्राइव के, गूगल ड्राइव में आप फोटो अपलोड कर सकते हैं समथिंग, ये तो आप सारी चीज़ें जानते हैं। दोस्तों, नहीं जानते तो जान लीजिए, गूगल ड्राइव की जब आप डेस्कटॉप में गूगल ड्राइव इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, तो एक जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हैं डाउनलोड करके, तो एक गूगल ड्राइव का फोल्डर बन जाता है आपके डॉक्यूमेंट वाली कैटेगरी में। डेस्कटॉप पे भी वो फोल्डर होता है, आप उसमें सेटिंग करके अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन उसमें सेट कर सकते हैं। उस फोल्डर में आप जितना भी बेसिकली का डेली का डाटा है, आप कोई भी फ़ोटोज़ क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई भी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर का डाटा है, कोई वर्ड फाइल है या समथिंग कुछ भी है, तो आप सीधा उसी फोल्डर में सीधा आपको सेव करना है अपना। आप क्लाइंट वाइज उसको बना लीजिए, आप जो भी है, जो भी आपको सिंप्लेक्स लगता है वो कर लीजिए। उस गूगल ड्राइव को जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, उससे पहले वो आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। आप गूगल पे अकाउंट है तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, जीमेल वाला लॉगिन और यूज़र आप उसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद वो सिंपली गूगल ड्राइव का जो फोल्डर है, जैसे ही उसमें आपने फाइल सेव की, और जैसे ही आपका, सपोज करिए अभी नेट नहीं है आपके सिस्टम में, कोई बात नहीं, वो आपका सेव वहीं ऑफलाइन होगा। जैसे ही आपका वाईफाई कनेक्ट होता है या मोबाइल से होता है या कैसे भी आपका नेट कनेक्ट होता है, तो सीधा वो उसको सिंक्रोनाइज़ करके गूगल के सर्वर पर ले जाएगा, गूगल ड्राइव के, और उसको आप गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। और आपको ये नहीं करना कि वो डायरेक्टली आपको गूगल ड्राइव की वेबसाइट खोलनी है और वेबसाइट करके डायरेक्ट अपलोड करना है हर फाइल, तो वो सिंपली कुछ नहीं, वो सीधा आपको वहाँ डालना है और वो ऑटोमेटिकली ही सिंक्रोनाइज करता रहेगा आपकी फ़ाइल। और ये 15 GB तक आपको फ्री मिलता है गूगल ड्राइव पे। अगर आप बिजनेस हैं, अगर आप ज़्यादा हैं, तो आप गूगल से और परचेज कर सकते हैं डाटा। तो ये सिंपली बहुत अच्छा एक यूनिक सा फीचर, क्योंकि आजकल हम डाटा सेव करना तो याद भी नहीं रहता, तो ब्लॉग अपलोड कैसे करेंगे ऑनलाइन। तो सिंपली क्या है, आप गूगल ड्राइव फोल्डर में इसको सेव करिए कोई भी फाइल डाटा, वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज करके सर्वर पे उसको पहुंचा देगा। आपका मान लो लैपटॉप खराब हो जाता है, पेन ड्राइव खराब हो जाती है, या मे बी आप अपना लैपटॉप घर भूल जाते हैं और आपको कहीं बाहर 100, 200, 300 या 1000 किलोमीटर दूर भी आपको डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो सीधा गूगल ड्राइव ऑनलाइन जाइए, अपने मोबाइल में जाइए, वहाँ से एक्सेस कीजिए वो फाइल, या सीधा अपने वेबसाइट पे जाइए गूगल ड्राइव की, वहाँ पे लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डालिए और वो डाटा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो कभी भी आपका डाटा खोने का सवाल ही नहीं। तो दोस्तों, ये आज मैंने ऐसी ट्रिक बताई जो आपका डाटा सेव कर सकता है, कहीं खो नहीं सकता। और आप इस वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी मिलने वाली है आपको, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए अगर कुछ इसके बारे में समझ नहीं आता, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। और हमारे चैनल को देखते रहिए और थैंक यू सो मच।